हेलो स्टूडेंट्स, आई एम शिवदंकर। आई वेलकम यू टू द चैनल द मैथ्स पिको। इन दिस वीडियो हम पढ़ने वाले हैं वेक्टर के बारे में। इससे पहले एक वीडियो अपलोड हो चुकी है, उसमें थोड़ी गड़बड़ हो जाने की वजह से बहुत बीच में ही रोक दी गई थी वीडियो। और ये जो पार्ट है वेक्टर का कंप्लीट पार्ट होने वाला है। इससे पहले वीडियो मैं आशा करता हूँ कि आपने देख ली है, जिसमें मैं बात की थी वेक्टर की कुछ टर्मिनोलॉजीज के बारे में, एंड पोजिशन वेक्टर क्या होता है किसी पॉइंट का, वो भी आपने देखा था। डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल चुकी थी पिछली वीडियो में। ठीक है, तो पिछली वीडियो में क्या क्या पढ़ा था आपने? स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, इनिशियल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट, मैग्नीट्यूड, यूनिट वेक्टर, सब मैंने आपको बताया था। हिम्मत से देखना वीडियो को, बिल्कुल ध्यान से, मन शांत करके, दिमाग को फोकस करके अगर देखोगे तो सब समझ में आएगा। कोई ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है वेक्टर, ठीक है। इसके बाद आपने पोजिशन वेक्टर देखा था, पिछली वीडियो जरूर देखना। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो आज की वीडियो को समझने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। इसके बाद आपने एक क्वेश्चन भी किया था, डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं, ये भी मैंने आपको पिछले उसमें बता दिया था। इस क्वेश्चन को करवाते टाइम और इसमें थोड़ा प्रॉब्लम हो गई थी। तो आज का जो अपना पहला टॉपिक होने वाला है वो है कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर के कंपोनेंट क्या होते हैं, तो चलिए कंपोनेंट पढ़ते हैं किसी वेक्टर। तो यहाँ पे पहले बनाते हैं अपना 3D सिस्टम, जैसे कि हमेशा बनाते हुए आ रहे हैं, ठीक है। ओके, तो ये हो गया अपना एक 3D सिस्टम। दिस इज सेट टू बी द एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस, एंड दिस इज जेड एक्सिस। सपोज यहाँ पर कीजिए, यहाँ पर एक पॉइंट है, पॉइंट पी, एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी बी एक्स वाई जेड, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तो यहाँ से आपने ओरिजिन से इस पॉइंट पी को मिलाया और यहाँ पर एक वेक्टर बन गया है, वेक्टर ओपी, और इस वेक्टर को हम बोलते हैं जनरली वेक्टर आर, ठीक है। ये सभी आपने पीछे देख रखे थे। अब इस पॉइंट पी को, इस पॉइंट पी के कॉम्पोनेंट्स लिखने हैं, या ऐसा समझिए जो ये अपने पास वेक्टर ओपी है, वेक्टर आर है, इसको कॉम्पोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है। तो अब किसी वेक्टर को अगर उसका पॉइंट दिया हुआ है, किसी मतलब हमारे पास एक पॉइंट है, उस पॉइंट का पोजिशन वेक्टर अगर हमें कंपोनेंट्स की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं? बहुत ही आसान है। यहाँ से वेक्टर आर आता है आपका, वेक्टर आर इज इक्वल टू एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, है ना। दिस इज द वेक्टर आर, यही होता है अपना वेक्टर आर, ठीक है। और ये जो लिखे हुए हैं ना, यही है इसके कॉम्पोनेंट्स। वेक्टर आर के जो कंपोनेंट्स हैं यही हैं जो मैंने अभी यहाँ पे सर्किल किए हैं, एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है। दो तरीके के कंपोनेंट्स होते हैं, एक तो होते हैं वेक्टर कंपोनेंट्स और एक होते हैं स्केलर कंपोनेंट, ठीक है। अगर इस वेक्टर आर की बात करें तो इस वेक्टर आर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं, इस वेक्टर आर के जो स्केलर कंपोनेंट्स हैं वो तो हैं आपके एक्स वाई एंड जेड, और इस वेक्टर के जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं, वेक्टर कंपोनेंट्स, तो इस वेक्टर के जो वेक्टर कंपोनेंट्स हैं वो है अपने एक्स आई कैप वाई जे कैप एंड जेड के कैप। अगर यहाँ पर कोई सा भी प्लस माइनस में हो जाता है, ठीक है, तो विद चिन्ह, विद साइन उसके कंपोनेंट को हम लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पर माइनस का एक्स आई कैप हो जाता तो इसके स्केलर कॉम्पोनेंट क्या बनते, माइनस एक्स वाई एंड जेड। वेक्टर कंपोनेंट्स क्या बनते, माइनस एक्स आई वाई जे एंड जेड के, ठीक है। तो विद साइन लिखते हैं, ये भी आपको पता चल चुका है, और कंपोनेंट्स कैसे लिखते हैं ये भी आपको आइडिया लग गया कि कंपोनेंट कैसे लिखने हैं किसी वेक्टर के, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको जनरल से एक बात बता देता हूँ कि एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट हम आई कैप लेते हैं, वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट होता है जे कैप, एंड यहाँ पर जेड एक्सिस का जो कॉम्पोनेंट होता है वो होता है के कैप, है ना। एक्स एक्सिस का कॉम्पोनेंट आई कैप, वाई एक्सिस का कॉम्पोनेंट जे कैप, और जेड एक्सिस का कॉम्पोनेंट के कैप होता है। आई कैप का मतलब है एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ, और जे कैप का मतलब होता है वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ, एंड के कैप का मतलब होता है जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ, ठीक है। अगर एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ ले ली जाए और उसकी डायरेक्शन भी हमें दे दी जाए तो उस वेक्टर को हम आई कैप लिखते हैं। अगर वाई एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ दे दी जाए और उसकी डायरेक्शन भी दे दी जाए तो उसको हम जे कैप लिखते हैं उस वेक्टर को। सिमिलरली जेड एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ अगर हमें दी गई है और उसकी डायरेक्शन भी गिवन है तो उसको हम के कैप लिखते हैं, ठीक है। आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं है, किसी पॉइंट का कंपोनेंट कैसे लिखना है इसके में भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला राइट द स्केलर एंड वेक्टर कंपोनेंट्स ऑफ द वेक्टर थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। हमारे पास यहाँ एक वेक्टर गिवन है, लेट अस कंसिडर द वेक्टर आर इक्वल्स टू थ्री आई कैप प्लस जे कैप माइनस टू के कैप। यहाँ पर एक सिंपली हमें वेक्टर गिवन है। अब इस वेक्टर के हमें एक तो स्केलर कंपोनेंट लिखने हैं,
स्केलर कंपोनेंट अब आप लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्केलर कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स क्या बनेंगे इसके, बताओ स्टूडेंट्स। स्केलर कंपोनेंट बनने वाले हैं इसके 3, 1 एंड -2। आई कैप, जे कैप, के कैप के जो कोफिशियंट्स हैं वही तो स्केलर कंपोनेंट है। और वेक्टर कंपोनेंट कैसे लिखोगे इसके आप, वेक्टर कंपोनेंट्स। तो वेक्टर कंपोनेंट्स भी लिख सकते हो आप इजीली। वेक्टर कंपोनेंट्स जो बनेंगे वो बनेंगे आपके 3i कैप, जे कैप एंड -2k कैप, ये बन जाएंगे इसके स्केलर कंपोनेंट एंड वेक्टर कंपोनेंट। इसने आगे बोला एंड कंप्यूट इट्स मैग्नीट्यूड, वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड भी फाइंड कीजिए। तो मैग्नीट्यूड निकालना मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, कैसे निकालते हैं किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये जो आई कैप, जे कैप, के कैप के कोफिशियंट्स हैं और उन कोफिशियंट्स का स्क्वायर एंड उनको सम कर देंगे, मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9, 4, 5, कितना होता है 9, 5, 14, तो √14 आ जाएगा इसका मैग्नीट्यूड। ऑल्सो फाइंड द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। ये जो वेक्टर हमें गिवन है, वेक्टर आर, इस वेक्टर की डायरेक्शन में हमें यूनिट वेक्टर बताना है। क्या करना है हमें, इस वेक्टर आर की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बताना है। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, अगर किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है तो उस वेक्टर को उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए। तो ये जो वेक्टर आर है, अगर इसके सभी कंपोनेंट्स मतलब सभी को डिवाइड कर दोगे इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये बन जाएगा आर कैप। आर कैप का मतलब क्या है, वेक्टर आर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। यहाँ पर डिवाइड करेंगे √14 से, क्योंकि इस वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड √14 है, और मैग्नीट्यूड से डिवाइड करते ही हमारे पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो ये बन जाएगा 3/√14 i कैप, √14 है ना, एंड +1/√14 j कैप एंड -2/√14 k कैप। ये आ गया है आपका यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर आर। आइडिया लगा आपको यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं किसी भी वेक्टर की डायरेक्शन में, उस वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दीजिए और यूनिट वेक्टर आ जाएगा। यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं आर कैप से, मतलब कैप, कैप लगा देंगे वेक्टर मतलब उसी के ऊपर जिससे हमने उसको वेक्टर के रूप में डिनोट किया होगा, उसी के ऊपर कैप लगा देंगे। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर्स। वेक्टर का एडिशन, वेक्टर को कैसे ऐड करना है। वेक्टर को ऐड करना वैसे तो बहुत ज्यादा सिंपल है, इसमें कोई ज्यादा टफनेस वाली बात है नहीं, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं हमारे पास दो वेक्टर है, वेक्टर ए मान लेते हैं हम आई कैप प्लस जे कैप प्लस 2k कैप मान लेते हैं, एंड वेक्टर बी मान लेते हैं हम यहाँ पर मुझे आपको एक चीज और बतानी है, वेक्टर बी मान लेते हैं -k2 i कैप +3j कैप एंड -k कैप, ये मान लेते हैं हम वेक्टर बी। उसने बोला वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को ऐड कीजिए, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी को कीजिए ऐड। तो ऐड करना बहुत सिंपल है, आई कैप वाले कंपोनेंट में आई वाला ऐड होगा, जे वाले में जे वाला, के वाले के वाला, ऐसे ही अगर सब्ट्रैक्ट करना है तो भी सेम ही चीज चलती है, ठीक है। तो आई कैप और या -2 i कैप ऐड करेंगे तो -i कैप आ जाएगा, जे कैप +3j कैप करेंगे तो 4j कैप आ जाएगा, 2k कैप -k कैप करेंगे तो k कैप आ जाएगा। ये आपने इसमें ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, लो सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, वेक्टर ए में से हमें वेक्टर बी को सब्ट्रैक्ट करना है, तो लिख लीजिए सब्ट्रैक्शन इसका। आई कैप में से माइनस करेंगे -2 i कैप तो ये शायद 3 i कैप हो जाएगा। यहाँ पे जे कैप में से माइनस करेंगे -3 j कैप तो ये जाएगा -2 j कैप, और 2k कैप में से माइनस करेंगे माइनस का के कैप तो ये जाएगा +3 k कैप। तो आप ऐड भी कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बता दीजिए, चलो अपने इन दोनों को ऐड कर दिया, यस सर ऐड कर दिया। आपने इन दोनों को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया, यस सर सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। तो ये जो आपने ऐड किया है, ऐड करने पर आपको एक नया वेक्टर बन चुका है, नया वेक्टर मिल चुका है, और सब्ट्रैक्ट करने पर भी आपको एक नया वेक्टर मिल चुका है। क्या इस नए वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, यस सर वेरी इजी, मैग्नीट्यूड निकालना हमने सीखा है। इस डिफरेंस करने के बाद जो हमारे पास नया वेक्टर आया है इसका मैग्नीट्यूड भी हम निकाल सकते हैं, यस सर वेरी इजी टू फाइंड मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैग्नीट्यूड निकालना आता होगा आपको, अभी अभी पिछले क्वेश्चन आपने देखा भी है मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। आई कैप, जे कैप, के कैप जो तीनों हैं इनके कोफिशियंट्स के स्क्वायर का सम कर देते हैं अंडर द रूट में, क्या आ जाता है आपका मैग्नीट्यूड आ जाता है, ठीक है। और अगर इस नए वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना है आपको, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है, तो पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी फाइंड करो, फिर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करो, और इस नए वेक्टर को डिवाइड कर देंगे इसी के मैग्नीट्यूड से,
तो क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर बन जाएगा। अब आप इजीली समझ सकते हैं, ऐसे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और कोई ज्यादा टफनेस होती नहीं है उन क्वेश्चंस को करने में, ज्यादा कठिनाई नहीं होनी चाहिए क्योंकि बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चंस हैं और अब आप कर भी सकते हो। मैं यहाँ को आपको एक चीज बताने वाला हूँ, वो है ट्राइंगल लॉ, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है ना, ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। वैसे तो इतना वाइड यूज है नहीं इसका हमारे सिलेबस में, लेकिन फिर भी जब हमें बुक में दिया हुआ तो पता होना चाहिए कि ये ट्राइंगल लॉ होता क्या है। यहाँ से नाम क्या करते हैं, ट्राइंगल बनाते हैं। सबसे पहले ये अपने पास एक ट्राइंगल हो गया, सपोज कीजिए दिस इज द ओरिजन ओ, सपोज दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। ओके, हमें ओ ए ओ बी एंड इस टाइप से डायरेक्शन दी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे ट्राइंगल लॉ ये बोलता है कि इनकी डायरेक्शन के अलोंग मूव करना स्टार्ट कीजिए। जैसे हमने ओ से ए पर गए तो यहाँ पर आएगा वेक्टर ओ ए, उसके बाद आएगा आप ए से बी पर जाइए वेक्टर ए बी, और जैसे ही आप ए बी से वापस ओ पर जाओगे तो डायरेक्शन देखो अपोजिट आ जाएगी, तो जो अलोंग अलाइक डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं वे सभी ऐड हो जाते हैं, और जो यानी कि जिनकी डायरेक्शन एक तरीके से अपोजिट है और वे जो वेक्टर्स होते हैं उनको माइनस करना पड़ता है, तो वो आ जाएगा माइनस वेक्टर ओ बी एंड इक्वल टू हो जाता है जीरो। बेसिकली इसे बोलते हैं हम डिस्प्लेसमेंट। तो वेक्टर ओ ए प्लस वेक्टर ए बी आ जाएगा वेक्टर ओ बी के इक्वल। ये वेक्टर ओ बी और कुछ नहीं बल्कि आपने ओ से ए तक डिस्टेंस तय की है, उसके बाद पॉइंट ए से पॉइंट बी तक डिस्टेंस तय की है, और अगर आप इस डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहते हैं विद रेस्पेक्ट टू दैट पॉइंट जहां से आपने स्टार्ट किया है तो वो आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट ओ बी। तो ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन यही बोलता है कि अलाइक डायरेक्शन वाले जो वेक्टर्स हैं उनको ऐड कर दीजिए और जो अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स हैं उनको माइनस कर दीजिए। जैसे आप ओ से ए पर गए, ए से बी पर गए और बी से वापस ओ पर आए, तो इस पूरे यात्रा में, इस पूरी ट्रेवलिंग में डिस्प्लेसमेंट आपने ओ से स्टार्ट किया और ओ पर ही आकर रुक गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। अब प्रॉब्लम यह है कि लाइक डायरेक्शन वाले वेक्टर्स ऐड होंगे और अपोजिट डायरेक्शन वाले वेक्टर्स माइनस हो जाएंगे। तो ओ ए वेक्टर ओ ए आपने लिखा, उसके बाद ए भी लिखा, लेकिन बी ओ पर जाने के लिए डायरेक्शन रेसिप्रोकल है तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ये माइनस करना पड़ेगा। और यहाँ से जो हमारे पास नई चीज बन के आई है इसी को बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो यहाँ से जब हम दो वैक्टर्स को एड कर रहे हैं वैक्टर ए एंड वैक्टर बी, तो दो वैक्टर को एड करने का मतलब ये है कि बेसिकली हम डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे होंगे, ये इसका मतलब है, ठीक है। और डिफरेंस करने का मतलब क्या है, डिफरेंस करने का मतलब भी कुछ नहीं है, अगर हम एक तरीके से डायरेक्शन अपोजिट ले लें, है ना, यहाँ से ए से बी पर, ए से बी पर, ए से बी की ओर डायरेक्शन थी और यहाँ से हम ए डैश से बी की ओर डायरेक्शन ले लें, और अगर आप ये वाला डिस्प्लेसमेंट निकालना चाहें तो वो हो जाएगा आपका वैक्टर ए माइनस वैक्टर बी, क्योंकि मान लेते हैं ये वैक्टर ए है ये वैक्टर बी है। अब जैसे इसकी डायरेक्शन अपोजिट करेंगे तो ये निगेटिव बन जाएगा ना, ये आपको बात पता होगी, नहीं पता है तो मैंने अब बता दिया है आपको। किसी भी वेक्टर की अगर डायरेक्शन चेंज कर देते हैं तो उसका साइन भी चेंज हो जाता है, पॉजिटिव से निगेटिव या निगेटिव से पॉजिटिव। तो दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है, सिंपल। दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है, सिंपल। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट से मतलब होता है इसका, इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम होगी नहीं आपको। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला गिवन दैट आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप एंड माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप आर टू वेक्टर्स, ये हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं। इन दोनों वेक्टर को मान लेते हैं कि सपोज कीजिए दिस इज वेक्टर ए दैट इज आई कैप प्लस टू जे कैप एंड प्लस थ्री के कैप, और सपोज कीजिए दूसरा वेक्टर है इसको वेक्टर बी मान लेते हैं, लेट वेक्टर बी इक्वल्स टू माइनस आई कैप माइनस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप आर टू वेक्टर्स, कंप्यूट द रिजल्टेंट एंड डिफरेंस ऑफ दीज वेक्टर्स, इनका रिजल्टेंट फाइंड कीजिए, इनका रिजल्टेंट का मतलब ऐड करना है इनको। तो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी एक तो हमें फाइंड करना है और दूसरा वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हमें फाइंड करना है, तो चलो करते हैं फाइंड। दोनों को ऐड कर दीजिए, आई कैप माइनस आई कैप तो जीरो बन जाएगा, टू जे कैप माइनस टू जे कैप ये भी जीरो बन जाएगा, थ्री कैप प्लस थ्री के कितना बन जाएगा अपना, सिक्स के कैप बन जाएगा, तो इनका एडिशन कितना जाएगा, सिक्स के कैप। डिफरेंस निकालते हैं, आई कैप माइनस करेंगे माइनस का आई कैप तो टू आई कैप हो जाएगा, टू जे कैप माइनस करेंगे माइनस टू जे कैप तो कितना हो जाएगा, फोर जे कैप, एंड थ्री के कैप में से माइनस करेंगे थ्री के कैप तो जीरो आ जाएगा। तो आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी भी आ गया एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी
भी आ गया। अगर इनका मैग्नीट्यूड निकाला जाए, यानी कि हमें निकालना है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो वो 6 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि अंडर द रूट में करेंगे ना, आई कैप का कोफिशियंट 0, जे कैप का कोफिशियंट 0, के कैप का कोफिशियंट 6, तो 6 का स्क्वायर से अंडर द रूट कट जाएगा, 6 ही आ जाएगा। और अगर इसका मैग्नीट्यूड आपको फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो वो कितना आएगा? अंडर द रूट आई कैप का कोफिशियंट 2, 2 का स्क्वायर 4, प्लस जे कैप का कोफिशियंट 4, 4 का स्क्वायर 16, यानी कि √20 आएगा। √20 को आप 2√5 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर इन वेक्टर्स को, ये जो आपके पास नए वेक्टर्स आए हैं, इन वेक्टर्स को इनके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दिया जाए, तो इनकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर। अच्छा, किसी वेक्टर में अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी जाए तो क्या होगा? तो सपोज कीजिए अपने पास एक वेक्टर आर है, लेट वेक्टर आर इज इक्वल टू, क्या होता है वेक्टर आर? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। ठीक है, इसने बोला इस वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दीजिए। मान लेते हैं हमने इसमें के की मल्टीप्लाई कर दी, ठीक है, यानी कि वी मल्टीप्लाई वेक्टर आर विद ए स्केलर के, विद एनी स्केलर के, कोई भी रियल नंबर हो सकता है, विद एनी स्केलर के, तो ये बन गया अपने पास के वेक्टर आर। ये तो बन गया, जब इस वेक्टर आर में मल्टीप्लाई करेंगे के वेक्टर आर, और के वेक्टर आर बन जाएगा आपका के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। वैसे तो के से अलग की मल्टीप्लाई करनी थी क्योंकि के कैप यहाँ पे आ रहा है, पर कोई बात नहीं, हमने के की मल्टीप्लाई कर दिया। ये जो नया वेक्टर बना है ना के वेक्टर आर, इसको मान लेते हैं हम वेक्टर पी, मान लेते हैं कि वेक्टर पी है, तो हमारे पास एक नया वेक्टर आ चुका है वेक्टर पी इक्वल्स टू के एक्स आई कैप प्लस के वाई जे कैप प्लस के जेड के कैप। तो किसी कॉन्स्ट के जेड हाँ के जेड के कैप, तो किसी कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई करने का मतलब ये है सभी कॉम्पोनेंट्स में मल्टीप्लाई कर दीजिए उस स्केलर की, तो इसका मतलब हो गया मल्टीप्लीकेशन ऑफ ए स्केलर विद वेक्टर। हाँ, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात बताने की ये है कि ये जो नया वेक्टर आपने बनाया है वेक्टर पी, और ये जो पुराना वेक्टर है वेक्टर आर, ये दोनों वेक्टर या तो कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे। ठीक है, तो वेक्टर आर एंड वेक्टर पी आर कोलिनियर, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। तो जब भी किसी वेक्टर में किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी जाएगी, तो मल्टीप्लाई किया हुआ वेक्टर और जो हमारे पास पहला वेक्टर था, वो दोनों वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर बन जाएंगे या पैरेलल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात आपको समझ में आई कि कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स क्या होते हैं? एक वेक्टर में अगर किसी स्केलर की मल्टीप्लाई कर दी जाएंगी, देन वे दोनों वेक्टर एक दूसरे के कोलिनियर या पैरेलल बन जाएंगे। वेरी इंपॉर्टेंट बात टू अंडरस्टैंड। इसमें मतलब वेक्टर ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, अगर दो पॉइंट्स दिया हुए हैं तो उनको ज्वाइन करने पर वेक्टर क्या बनेगा। वैसे तो मैं आपको इसको बता चुका हूं, जब मैंने पोजिशन वेक्टर बताया था ना, तो मैंने इस बात को आपको बताया था। चलो फिर से बता देता हूँ। सपोज कीजिए दिस इज अपना 3D सिस्टम, ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। सपोज यहाँ पर एक लाइन सेगमेंट है, दैट इज मान लेते हैं हम ए बी, दिस इज पॉइंट ए एंड दिस इज पॉइंट बी। लेट द पॉइंट्स ऑफ ए, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, एंड लेट्स द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट बी बी एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। अब हमें बताना है वेक्टर ए बी, क्या बताना है हमें? वेक्टर ए बी। तो वेक्टर ए बी बताने के लिए मैंने आपको बताया था कि ये जो बी पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर एंड जो ए पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर माइनस कर देंगे, तो वेक्टर ओ बी में से माइनस कर देंगे वेक्टर ओ ए। पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा? वेक्टर ओ बी। पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा? पॉइंट ओ ए। तो ये आ जाएगा आपका जो ए बी लाइन सेगमेंट है उसका वेक्टर। और ओ बी कैसे लिखते हैं हम? ओ बी किसी पॉइंट का कंपोनेंट्स, अभी तो मैंने बताया था ना किसी पॉइंट को कंपोनेंट फॉर्म में कैसे लिखना है, तो ये आ जाएगा आपका एक्स टू आई कैप प्लस वाई टू जे कैप प्लस जेड टू के कैप। इसमें से माइनस करना है आपका वेक्टर ओ ए। वेक्टर ओ ए क्या बनेगा आपका? इसके कंपोनेंट लिख दीजिए पॉइंट ए के, एक्स वन आई कैप वाई वन जे कैप जेड वन के कैप। ठीक है ना, और जब माइनस करेंगे तो
वेक्टर ए बी क्या आ जाएगा, वेक्टर ए बी आ जाएगा आपका एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप प्लस वाई टू माइनस वाई वन जे कैप प्लस जेड टू माइनस जेड वन के कैप। तो दो पॉइंट से आप वेक्टर को भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए हैं तो उनको ज्वाइन करने वाला वेक्टर भी आप लिख सकते हैं सिंपली, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स टू माइनस एक्स वन आई कैप, वाई टू माइनस वाई वन जे कैप, जेड टू माइनस जेड वन के कैप। अच्छा यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है क्या, ये ट्राइंगल ओ ए बी, ट्राइंगल ओ ए बी। अगर आपको ट्राइंगल ओ ए बी दिखाई दे रहा है तो आप इसमें ट्राइंगल लो लगा सकते हैं। अभी पीछे आपको ट्राइंगल लो बताया था, ट्राइंगल लो कैसे लगाएंगे, ओ से ए पर जाएंगे पहले, तो यानी कि वेक्टर ओ ए, उसके बाद प्लस वेक्टर ए बी, एंड वो इक्वल टू आएगा वेक्टर ओ बी के, यही तो था। और आपको वेक्टर ए बी निकालना था, क्या निकालना था आपको, वेक्टर ए बी निकालना था ना, तो ओ ए को राइट हैंड साइड लेके जाओ, तो यहाँ से वेक्टर ए बी आ जाएगा आपका वेक्टर ओ बी माइनस वेक्टर ओ ए। तो देखा आपने ट्राइंगल लॉ का यूज साइलेंट तरीके से हो रहा है, बस हमको पता नहीं था, ये और कुछ नहीं बल्कि ट्राइंगल लॉ ही तो है। हाँ जी, तो अगर आपको किसी भी दो पॉइंट्स को मिलाने वाले, यानी कि दो पॉइंट आपको गिवन है उनको मिलाने वाले वेक्टर को आपको फाइंड करना है, तो आप सिंपली उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला फाइंड द वेक्टर जॉइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू डायरेक्टेड फ्रॉम पी टू क्यू, यानी कि हमें पॉइंट पी गिवन है, हमको माइनस टू वन जीरो, एंड पॉइंट क्यू गिवन है माइनस वन माइनस जीरो, माइनस वन जीरो टू, ये गड़बड़ हो गया कुछ, माइनस जीरो तो कुछ नहीं होता ना, माइनस वन जीरो एंड टू। हमें फाइंड करना है वेक्टर पी क्यू, क्या फाइंड करना है हमें, वेक्टर पी क्यू। और वेक्टर पी क्यू कैसे फाइंड करेंगे बोलो, क्यू का पोजिशन वेक्टर दैट इज वेक्टर ओ क्यू माइनस पी का पोजिशन वेक्टर दैट इज वेक्टर ओ पी। जो बाद में लिखा हुआ पॉइंट है ना क्यू उसको पहले लिखते हैं, और जो पहले लिखा हुआ पॉइंट है पी उसको बाद में लिखते हैं, और हम किसी भी वेक्टर का सॉरी किसी भी दो पॉइंट से मिलाने वाले वेक्टर को फाइंड कर सकते हैं। पीछे देखो जरा, हमने ए बी का पोजिशन वेक्टर लिखा ना ए बी, तो ए बी का पोजिशन वेक्टर लिखते टाइम हमने बी के पोजिशन वेक्टर में से ए का पोजिशन वेक्टर माइनस किया। सिमिलरली यहाँ पर पी क्यू अगर हमें निकालना है तो क्यू के पोजिशन वेक्टर में से पी का पोजिशन वेक्टर माइनस कर देंगे। अब पॉइंट क्यू का पोजिशन वेक्टर क्या बनेगा, देखो यहाँ पर माइनस आई कैप प्लस जे तो जीरो हो जाएगा एंड टू के कैप, इसमें से माइनस करना है हमको ओपी, यानी कि पी का पोजिशन वेक्टर दैट इज माइनस टू आई कैप एंड प्लस जे कैप, और के कैप वाला तो कोफिशियंट है जीरो है। अब माइनस वन में से माइनस करेंगे यहाँ पर, मतलब सॉल्व कर लीजिए, चलो माइनस आई कैप प्लस टू के कैप, यहाँ पर आएगा प्लस टू आई कैप माइनस जे कैप, सॉल्व करेंगे तो क्या जाएगा, आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप। तो ये आ गया इन दोनों पॉइंट को मिलाने वाला वेक्टर, दैट इज वेक्टर पी क्यू। इस वेक्टर पी क्यू का मैग्नीट्यूड आप निकाल सकते हैं, इस वेक्टर पी क्यू की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आप निकाल सकते हैं, है ना। अब तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं, आगे है सेक्शन फॉर्मूला फॉर वेक्टर, वेक्टर के लिए सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है वो निकालते हैं। चलो सपोज कीजिए हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है दैट इज ए बी, लेटर कहते हैं दिस इज पॉइंट ए एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए बी एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, दिस इज कंसिडर्ड टू बी द पॉइंट बी, लेट अस कंसिडर दिस इज पॉइंट बी एंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ दिस पॉइंट बी इज एक्स टू वाई टू एंड जेड टू। और आपको क्या करना है ना, सपोज दिस इज ओरिजिन, लेट अस कंसिडर दिस इज ओरिजिन, और ये हो गया अपने पास पॉइंट ए का पोजिशन वेक्टर, ये हो गया अपने पास पॉइंट पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर बनाना है हमको, चलो ये हो गया अपने पास पॉइंट बी का पोजिशन वेक्टर एंड दिस इज वेक्टर ए बी, ठीक है। वेक्टर ए बी कहीं और को करना पड़ेगा, चलो जी दिस इज वेक्टर ए बी, ये मान लेते हैं वेक्टर ए बी हो गया। चलो अब इस जो वेक्टर ए बी है, इस वेक्टर ए बी के ऊपर एक पॉइंट है, मान लेते हैं ये वाला पॉइंट, दिस इज अनदर पॉइंट सी, हमें इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, इस पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट फाइंड कर रहे हैं, और ये जो पॉइंट सी है इस लाइन सेगमेंट ए बी को, वेक्टर ए बी को डिवाइड करता है एम रेशियो एन में, एम रेशियो एन में डिवाइड करता है, और सी के कोऑर्डिनेट हमें फाइंड करने हैं। सी के कोऑर्डिनेट नहीं मतलब इस सी का पोजिशन वेक्टर में फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, सी का पोजिशन वेक्टर। तो सी का पोजिशन वेक्टर कैसे फाइंड करते हैं, तो सी का पोजिशन वेक्टर मतलब है वेक्टर ओ सी। अगर आपको वेक्टर ओ सी फाइंड करना है तो वेक्टर ओ सी फाइंड करने के लिए हम करते हैं एम
वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एन प्लस एन। अगर आपको सी का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है तो एम वेक्टर बी प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एन प्लस एन, जहां पर वेक्टर बी एंड वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए तो है पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर और वेक्टर बी है पॉइंट बी का पोजीशन वेक्टर। एम भी दिया हुआ होगा आपको, एन भी दिया हुआ होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी भी गिवन होंगे और आपको सिंपली सी के पोजीशन वेक्टर फाइंड करने होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो अगर यही पॉइंट सी एक्सटर्नली आ जाए, मतलब यहाँ पे बनाते हैं, चलो यानी कि ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन, एक्सटर्नल डिवीजन बनाते हैं। सपोज ये दिस इज ए लाइन सेगमेंट ए बी एंड ए के पॉइंट मान लेते हैं हम एक्स वन वाई वन एंड जेड वन, बी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम एक्स टू वाई टू एंड जेड टू, और इस लाइन ए बी को आगे बढ़ाएंगे ना, तो यहाँ पर ए बी को हमने आगे बढ़ाया है यहाँ पर, तो यहाँ पर एक पॉइंट सी आ जाएगा और यहाँ पर मान लेते हैं हम ओरिजिन ओ, ओरिजिन ओ से इन तीनों पॉइंट्स के पोजिशन वेक्टर बना लेते हैं। दिस इज ओरिजिन ओ, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर बी एंड दिस इज वेक्टर सी। ठीक है, अभी जो सी पॉइंट है वो ए बी वेक्टर ए बी को एक्सटर्नली डिवाइड कर रहा है। अगर एक्सटर्नली डिवाइड करता है एम रेशियो एन में, एम रेशियो एन क्या मतलब, यहां से लेकर, कलर बदल लेता हूँ ताकि आपको सीधा सीधा चमक जाए, यहां से ये लेकर यहां तक जो है वो तो है मान लेते हैं हम एम और ये जो है इसे मान लेते हैं हम एन। ठीक है, अब कैसे निकालना है आपको, सेम टू सेम ऐसे निकालेंगे जैसे अभी आपने ये निकाला था, कैसे निकालना है आपको, तो सी के पोजिशन वेक्टर निकालेंगे हम एम वेक्टर बी, इस बार जाएगा माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन, एम वेक्टर बी माइनस एन वेक्टर ए अपॉन एम माइनस एन। और अगर मिड पॉइंट निकालना है, मिड पॉइंट का मान लेते हैं ये जो सी है वेक्टर सी वेक्टर ओ सी, ये मिड पॉइंट है, तो वेक्टर ओ सी अगर मिड पॉइंट है, वेक्टर ओ सी अगर यानी कि सी अगर मिड पॉइंट है और सी के पोजिशन वेक्टर निकालने हैं तो वो आ जाएगा सीधा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए अपॉन टू। ठीक है ना, मिड पॉइंट अगर आपको गिवन है, मिड पॉइंट गिवन होने पर आपको क्या निकालना है, पॉइंट का पोजिशन वेक्टर निकालना है, तो सीधा वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डिवाइडेड बाई टू, ये आ जाएंगे आपके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट, या जो मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट है ना उसका पोजिशन वेक्टर भी आ जाएगा। बात समझ में आई आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है कि फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट, विच डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट्स पी एंड क्यू विद पोजिशन वेक्टर्स आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, तो एक लाइन सेगमेंट है पी क्यू, दिस इज अ लाइन सेगमेंट पी क्यू, दिस इज पॉइंट पी, दिस इज पॉइंट क्यू, और इनको इनके पोजिशन वेक्टर्स हमको हमें गिवन है, पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर भी गिवन है एंड पॉइंट क्यू का पोजिशन वेक्टर भी गिवन है, दिस इज ओके। ये हो गया अपना ओरिजिन, तो पॉइंट पी का पोजिशन वेक्टर गिवन है हमें कितना, मान लेते हैं ये वेक्टर ए है और पॉइंट क्यू का पोजिशन वेक्टर मान लेते हैं ये वेक्टर बी है, और पी क्यू को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट है उस पर कहीं पर एक पॉइंट सी है, क्या सी बोला इसने, नहीं कुछ नहीं बोला, बस हम मान लेते हैं कि आर है और जो आर है इसको 2:1 इंटरनली डिवाइड करता है, 2:1 इंटरनली डिवाइड करता है और उसने आर के पोजिशन वेक्टर पूछे हैं, है ना, फाइंड द पोजिशन वेक्टर ऑफ द पॉइंट, इसने आर का पोजिशन वेक्टर पूछा है, यानी कि इसने पूछा है वेक्टर ओ आर। वेक्टर ओ आर कैसे निकालेंगे हम, सीधा पहले फॉर्मूला लिखते हैं एम वेक्टर बी क्योंकि इंटरनल डिवाइड है तो प्लस एन वेक्टर ए अपॉन एम प्लस एन, यही तो आएगा, और जो अपना वेक्टर बी है, वेक्टर बी कितना गिवन है, वो गिवन है आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, और वेक्टर ए कितना गिवन है क्वेश्चन में, वेक्टर ए गिवन है आपको आई कैप प्लस टू जे कैप माइनस के कैप। ठीक है, यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज रख दीजिए तो वेक्टर आर ओ आर के आपके पोजिशन वेक्टर आ जाएंगे, एम की वैल्यू कितनी है टू और वेक्टर बी कितना है, वेक्टर बी आपका माइनस आई कैप प्लस जे कैप एंड प्लस के कैप, एंड प्लस एन की वैल्यू कितनी है आपकी, वेक्टर सॉरी एन की वैल्यू है वन, 2:1 में डिवाइड करना है ना, तो एम की वैल्यू टू एन की वैल्यू वन, और वेक्टर ए कितना है, वेक्टर ए आपका आई कैप प्लस टू जे कैप एंड प्लस के कैप, और आप यहाँ पे आ जाएगा नीचे एन प्लस एन दैट इज 2+1, तो जो आर पॉइंट है उसके पोजिशन वेक्टर आएंगे ऊपर आएगा माइनस के टू आई प्लस के टू जे प्लस के टू के एंड प्लस आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप डिवाइड में आ जाएगा 3, तो
वेक्टर ओ आर आ जाना है आपका माइनस के 2y प्लस का आई बन जाएगा माइनस के आई, ये बन जाएगा प्लस 4j और ये बन जाएगा प्लस 3k एंड डिवाइड में आ जाएगा 3। अब इस 3 को हर किसी के कोफिशियंट में नीचे लेके आ जाओ तो वेक्टर आर के क्या आ जाएंगे आपके पास पोजिशन वेक्टर आ जाएंगे। तो वेक्टर आर के पोजिशन वेक्टर निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, अब आपके लिए इजीली आप किसी भी पॉइंट के पोजिशन वेक्टर निकाल सकते हैं अगर वो पॉइंट दो पॉइंट को मिलाने वाले लाइन सेगमेंट को इंटरनल डिवाइड कर रहा है या एक्सटर्नल डिवाइड कर रहा है। ठीक है, अगर ये एक्सटर्नल डिवाइड करता तो बीच में माइनस लगा देते, बस इतना ही तो है, बाकी प्रोसेस तो सब सेम ही है। आगे बढ़ते हैं, इसने बोला प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर का प्रोडक्ट। अभी तक आपने दो वेक्टर को ऐड कैसे करना है ये समझा, दो वेक्टर को सब्ट्रैक्ट कैसे करना है ये समझा, वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं ये समझा, यूनिट वेक्टर कैसे निकालना है ये भी आपने समझ लिया। अब आते हैं दो वेक्टर को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करेंगे। दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई करने के दो तरीके हैं, एक को तो बोलते हैं हम स्केलर प्रोडक्ट और एक को बोलते हैं हम क्रॉस प्रोडक्ट। तो देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स, देयर आर टू मेथड्स टू फाइंड द प्रोडक्ट या मल्टीप्लाई ऑफ टू वेक्टर्स। वेक्टर्स की मल्टीप्लाई फाइंड करने के, वेक्टर्स का प्रोडक्ट करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला स्केलर प्रोडक्ट, सबसे पहला क्या है स्केलर प्रोडक्ट, दूसरा है आपका वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट का दूसरा नाम है आपका डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट को ही हम डॉट प्रोडक्ट बोलते हैं। और जो इससे नेक्स्ट है आपका वेक्टर प्रोडक्ट, इसका नाम है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, है ना, वेक्टर प्रोडक्ट को ही हम क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं। इनको डिनोट करते हैं डॉट एंड क्रॉस से। इनमें डिफरेंस क्या होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट। तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट के बीच डिफरेंस ये है स्टूडेंट्स, कि जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई हम स्केलर तरीके से करेंगे, दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई हम स्केलर तरीके से करेंगे, तो उन दोनों वेक्टर्स की मल्टीप्लाई भी एक स्केलर ही आएगी, है ना। तो जब दो वेक्टर्स की स्केलर मल्टीप्लाई होती है तो उसका आंसर भी स्केलर ही आता है, और जब दो वेक्टर की मल्टीप्लाई वेक्टर तरीके से होती है तो उनका आंसर वेक्टर ही आता है। ये बात आपको समझ में आई, स्केलर प्रोडक्ट का मतलब दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई ताकि स्केलर क्वांटिटी आ जाए, स्केलर आंसर आए, और दो वेक्टर्स की मल्टीप्लाई की उसका आंसर वेक्टर क्वांटिटी ही आए, तो ये दोनों के बीच में डिफरेंस होता है। ओके, तो स्केलर प्रोडक्ट एंड वेक्टर प्रोडक्ट होता क्या है, चलिए समझते हैं इंडिविजुअली। तो सबसे पहले है स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट। तो सपोज कीजिए हमारे पास दो वेक्टर हैं, लेट हमारे पास है वेक्टर ए, मान लेते हैं हम ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और एक दूसरा वेक्टर मानते हैं हम वेक्टर बी इक्वल्स टू ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दो वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, हाउ टू फाइंड द प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। तो वेक्टर ए डॉट, डॉट का मतलब है इन दोनों वेक्टर्स की डॉट मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, जिनके स्केलर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो इसका फॉर्मूला होता है मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड द एंगल बिटवीन दू दीज टू वेक्टर्स, दैट इज कॉस थीटा। तो व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दैट इज वेक्टर ए का मोड, वेक्टर बी का मोड एंड कॉस थीटा। ऐसे फाइंड करते हैं हम किन्हीं भी दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, अब मैं आपको यहां से एक बात बताता हूँ इंपोर्टेंट, यहां से आपको एक इंपोर्टेंट बात बताता हूँ मैं, इंपोर्टेंट बात। हम ना आई कैप डॉट आई कैप निकाल कर देखते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप क्या आएगा। आई कैप क्या होता है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में एक यूनिट लेंथ, यानी कि आई कैप का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होता है। सिमिलरली जे कैप क्या होता है, वाई एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ, मतलब जे कैप का मैग्नीट्यूड कितना होता है 1। सिमिलरली के कैप क्या होती है, जेड एक्सिस की डायरेक्शन में 1 यूनिट लेंथ, और के कैप का मैग्नीट्यूड भी कितना होता है 1 यूनिट, यानी कि आई कैप का मोड इक्वल्स टू जे कैप का मोड इक्वल्स टू के कैप का मोड, और ये सभी होता कितना है आपका 1 होता है। आई कैप का मोड, जे कैप का मोड एंड के कैप का मोड कितना होता है स्टूडेंट्स, 1 होता है। बात समझ में आई आपको।
अब यहां से आई डॉट आई निकालने की कोशिश करते हैं, आई डॉट आई। तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको फाइंड कीजिए, चलो फाइंड करते हैं। तो वो आएगा आपका मॉडुलस ऑफ आई कैप, फिर से मॉडुलस ऑफ आई कैप एंड व्हाट विल बी द एंगल बिटवीन आई कैप एंड आई कैप, दैट इज जीरो। आई कैप एंड आई कैप के बीच एंगल कितना होगा? जीरो होगा। जीरो क्यों होगा? चलो यहां पे बता देता हूं मैं आपको, कलर चेंज कर लू। देखिए दिस इज 3D सिस्टम, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस एंड दिस इज जेड एक्सिस। यहां पर आई कैप होगा, यहां पर जे कैप होगा और यहां पर के कैप होगा, है ना। अब एक्स एक्सिस पर आई कैप है और हमें बताना है कि आई कैप के साथ कितना एंगल बनेगा, तो वो तो जीरो बनेगा ना, तो दैट तो इट इज 0 डिग्री। अब यहां से फाइंड करते हैं। चलो अब आई कैप डॉट आई कैप कितना बन जाएगा? इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ आई कैप इज 1, मॉडुलस ऑफ आई कैप अगेन 1 एंड द वैल्यू ऑफ को 0 इज 1। तो आई कैप डॉट आई कैप कितना आ जाएगा? आई कैप डॉट आई कैप आ जाएगा स्टूडेंट्स 1। सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप भी कितना आएगा? 1। एंड सिमिलरली के कैप डॉट के कैप भी कितना आएगा? 1 आएगा। तो ये बात आपको समझ में आई? आई कैप डॉट आई कैप इज 1, जे कैप इज 1, के कैप डॉट के कैप इज 1, ठीक है। इसके बाद एक चीज और है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो इसके बाद एक और चीज क्या है, एक और चीज ये है कि हम निकालते हैं आई कैप डॉट जे कैप या फिर जे कैप डॉट आई कैप। जो ये अपना होता है ना डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, वो कम्यूटेटिव होता है। कम्यूटेटिव का मतलब आई डॉट जे करो या जे डॉट आई करो, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब क्रॉस प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो उसमें वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। लेकिन जो डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट है वो कम्यूटेटिव होता है, मतलब आई डॉट जे कीजिए या जे डॉट आई कीजिए, सेम रिजल्ट आएगा। अब इसमें अगर हम ये फॉर्मूला लगाएं, डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला अगर इसमें लगाएं आई कैप डॉट जे कैप में, तो आएगा मॉडुलस ऑफ आई कैप एंड मॉडुलस ऑफ जे कैप एंड द एंगल बिटवीन आई एंड जे। आई कैप एंड जे कैप के बीच एंगल कितना स्टूडेंट्स? 90 डिग्री। सिमिलरली जे कैप एंड जो अपना का के कैप है, यानी कि जेड एक्सिस एंड एक्स एक्सिस, इनके बीच भी एंगल कितना है स्टूडेंट्स? इनके बीच भी एंगल 90 डिग्री है। और वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस के बीच भी एंगल कितना है? 90 डिग्री है। इन सभी एक्सिस में आपस में 90 90 डिग्री के एंगल होते हैं। तो यहाँ पर जाएगा कोस 90। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस 90? द वैल्यू ऑफ कोस 90 इज 0। दैट्स व्हाई आई कैप डॉट जे कैप इज गोइंग टू बी 0। सिमिलरली जे कैप डॉट के कैप इज ऑल्सो गोइंग टू बी 0। सिमिलरली के कैप डॉट आई कैप इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू 0। या इनको अगर उल्टा भी लिख दोगे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। जे कैप डॉट आई कैप, के कैप डॉट जे कैप एंड आई कैप डॉट के कैप, इनको उल्टा भी कर दोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आई डॉट जे इज 0, जे डॉट आई इज अगेन 0, जे डॉट के इज 0, के डॉट जे इज अगेन 0 एंड के डॉट आई एंड आई डॉट के इज ऑल्सो 0। तो यहां से आपको एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट पता चला कि आई डॉट आई 1 होता है सर, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 होता है। आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0, के डॉट आई 0 एंड वाइस वर्सा, जे डॉट आई, के डॉट जे एंड आई डॉट के भी 0 होता है। सर हमको ये बात समझ में आ गई है, दो वेक्टर्स का कैसे डॉट प्रोडक्ट निकालना है फॉर्मूला यूज करके, वो भी हमें समझ में आ गया है। क्या हम दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट बिना इस फॉर्मूले के भी निकाल सकते हैं? अब मैं कह सकता हूं कि हाँ निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट अगर आपको प्रोडक्ट निकालना है तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए थी। ये जो चीज मैंने यहाँ पे लिखी है ना, ये चीज अगर हमें पता है तो अब हम दो वेक्टर्स का स्केलर या डॉट प्रोडक्ट बिना इस फॉर्मूले का यूज करके भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब बिना फॉर्मूले का यूज करके स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालें, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, पर आई डॉट आई 1 होगा, आई डॉट जे 0 होगा, ये आपको ध्यान रखना है। बस ये याद रखिए कि आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, ये याद रखिए, इतना बहुत है। चलो तो हमने वेक्टर ए माना था अपना, ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप। एंड वेक्टर बी माना था ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। तो यहां से अगर हमें डॉट प्रोडक्ट निकालना है, तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या होता है? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड कोस थीटा, ये तो होता है। तो आपको क्या करना पड़ेगा? पहले वेक्टर ए का मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, फिर वेक्टर बी का मॉडुलस फाइंड करना पड़ेगा, इनके बीच एक एंगल भी दिया हुआ होना चाहिए, तब आप इस फॉर्मूले का यूज करके इनके बीच डॉट प्रोडक्ट निकालेंगे।
और सपोज कीजिए हमें नहीं दिया कि इनके बीच एंगल कितना है और हमें इनका डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट भी निकालना है, तो कैसे करेंगे? तो दूसरा तरीका यानी कि डायरेक्ट तरीका यह है कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चलो मल्टीप्लाई कीजिए। देखो जब आई डॉट आई करेंगे तो वन होगा, अभी पीछे आपने पढ़ा आई डॉट आई तो वन हो गया, और ए वन की मल्टीप्लाई ए टू में कर देंगे तो ये आ जाएगा ए वन ए टू, और आई डॉट आई बन चुका है वन। जब आई डॉट जे करेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, अभी पीछे हमने आपने बताया था, मैंने आपको बताया था। आई डॉट के करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, अब जे पर आ जाइए, जे डॉट आई करेंगे तो वो भी जीरो, और जे डॉट जे करेंगे तो वो कितना हो जाएगा वन, प्लस में आ जाएगा बी वन बी टू है ना, और प्लस जे डॉट के करेंगे तो जीरो, के डॉट आई करेंगे तो भी जीरो, के डॉट जे करेंगे तो भी जीरो, और के डॉट के कितना हो जाएगा वन, तो ये जाएगा सी वन सी टू। तो दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट आप सीधे निकाल सकते हैं, सीधे उनके कोफिशियंट्स की मल्टीप्लाई करके। आई वाले कोफिशियंट की मल्टीप्लाई आई वाले कोफिशियंट में कीजिए, जे वाले कोफिशियंट की मल्टीप्लाई जे वाले कोफिशियंट में कीजिए, और के वाले कोफिशियंट की मल्टीप्लाई के वाले कोफिशियंट में कीजिए, सीधा आपके पास दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा, डॉट प्रोडक्ट आ जाएगा। और अगर मैग्नीट्यूड दिया हुआ है दो वेक्टर्स का, उन दोनों वेक्टर के बीच एंगल दिया हुआ है, तो आप भी तब भी उसका स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। तो स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालना है आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। इसे हम लोग प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन अनदर वेक्टर है ना, या ऑन ए लाइन। अब आपको इसमें सीधा फॉर्मूला याद करना है, इसमें कोई इतने लंबे चौड़ी बात नहीं। इसने क्वेश्चन बोलेगा कि वेक्टर ए मान लेते हैं ए वन आई, ए वन आई कैप प्लस बी वन, ए वन आई कैप बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, और वेक्टर बी मान लेते हैं हम ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप। इसने बोला कि फाइंड द प्रोजेक्शन, हमें प्रोजेक्शन फाइंड करना है, फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। तो वेक्टर ए का वेक्टर बी पर प्रोजेक्शन फाइंड करने का तरीका है, इनका डॉट प्रोडक्ट निकालो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और डिवाइड में आ जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, हमें बी पर बताना था ना प्रोजेक्शन, तो नीचे बी वेक्टर का मोड आ जाएगा। और अगर हमें ए पर बताना हो प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन, फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए, अगर वेक्टर ए पर प्रोजेक्शन बताना है तो नीचे तो जाएगा वेक्टर ए का मोड, ऊपर वही इनका डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, कोई ज्यादा मुश्किल बात नहीं है प्रोजेक्शन फाइंड करना भी। आगे बढ़ते हैं। इसने बोला फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर टू आई प्लस थ्री जे प्लस टू के ऑन द वेक्टर आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। तो मान लेते हैं दो वेक्टर हमारे पास है, वेक्टर ए इक्वल्स टू जो हमें गिवन है वो है टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस टू के कैप, एक तो ये वेक्टर गिवन है हमें, और दूसरा वेक्टर बी क्या गिवन है हमको आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस के कैप, ये हमें दो वेक्टर गिवन है। और हमें सीधे सीधे से पता है कि अगर प्रोजेक्शन निकालना है तो इनका डॉट प्रोडक्ट चाहिए, तो मैं पहले ही डॉट प्रोडक्ट और इनका मैग्नीट्यूड निकाल लेता हूँ। तो सबसे पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं, मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, ये आएगा आपका अंडर द रूट टू का स्क्वायर दैट इज फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन, एंड अगेन टू का स्क्वायर इज फोर, तो जाएगा चार और चार आठ और नौ सत्रह, वेक्टर ए का मोड कितना आ गया है सत्रह। सिमिलरली वेक्टर बी का मोड निकाल लेते हैं हम, क्योंकि इनकी जरूरत पड़ने वाली है। इसने किससे पूछा है, इस वेक्टर का वेक्टर बी पर, यानी कि वेक्टर ए का वेक्टर बी पर पूछा है, मैं वेक्टर बी का वेक्टर ए पर भी बता देंगे हम, क्या प्रॉब्लम है, अब तो मैं समझ में आ गया है सर। तो अंडर द रूट आई कैप का कोफिशियंट उसका स्क्वायर प्लस जे कैप का कोफिशियंट उसका स्क्वायर प्लस के कैप का कोफिशियंट उसका स्क्वायर, तो ये जाएगा रूट सिक्स है ना, दोनों का मोड निकाल दिया। अब वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी निकाल लेते हैं हम, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी तो निकाल सकते हो अब आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा कोफिशियंट्स की मल्टीप्लाई कीजिए, आई कैप का कोफिशियंट टू, आई कैप का कोफिशियंट वन, तो टू आ जाएगा, प्लस थ्री इंटू टू जे कैप का कोफिशियंट थ्री, इधर जे कैप का कोफिशियंट टू, तो थ्री इंटू टू सिक्स आ जाएगा, और ऐसे ही टू इंटू वन आ जाएगा, तो टू, यह जाएगा आपका टेन। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आ गया टेन। अब निकालना है प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो वो आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आया आपका टेन, और वेक्टर बी का मोड कितना आया आपका रूट सिक्स, तो यह आ चुका है आपका प्रोजेक्शन। एंड अगर आपको निकालना है प्रोजेक्शन, आपको निकालना है प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी
ऑन वेक्टर ए। अगर आपको वेक्टर बी का प्रोजेक्शन वेक्टर ए पर बताना है तो वो क्या आएगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, इनका डॉट प्रोडक्ट है 10 और वेक्टर ए का मोड कितना था, √70। तो इस टाइप से आप वेक्टर्स का प्रोजेक्शन निकाल सकते हैं एक दूसरे पर। अच्छा, दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। देख लो, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी का आपने डॉट प्रोडक्ट किया और जो आंसर निकल के आया वो आया 10, और 10 एक कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं। अगर 10 i कैप, 10 j कैप, 10 k कैप ऐसा कुछ है तो उसमें डायरेक्शन होती है, लेकिन इसमें तो कोई डायरेक्शन नहीं है ना, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है क्योंकि ये स्केलर आंसर है। चलो, प्रोजेक्शन आप निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसने बोला एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स फाइंड कीजिए, दो वेक्टर्स के बीच एंगल कितना है। तो बहुत आसान है, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, हमारे पास दो वेक्टर गिवन होंगे, इन दोनों के बीच हमें एंगल फाइंड करना है। तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी का फॉर्मूला, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी एंड इन दोनों के बीच एंगल कोस थीटा, यही तो होता है, दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट यही तो होता है, और क्या होता है। अब यहां से हमें कोस थीटा निकालना है, यानी कि थीटा निकालना है, थीटा थीटा ही तो है इन दोनों के बीच एंगल। तो ये आएगा वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, और थीटा क्या जाएगा यहाँ से, थीटा आ जाएगा स्टूडेंट्स कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में जाएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। अगर आपको इनवर्स पढ़ना है तो मैंने इनवर्स की वीडियो पहले ही बना के डाली हुई है, आप इनवर्स भी जाकर पढ़ सकते हैं। तो इस टाइप से आप दो वेक्टर्स के बीच का एंगल भी बता सकते हैं, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, आगे बढ़ते हैं। फाइंड द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, तो हमें गिवन है वेक्टर ए मान लेते हैं हम 5 i कैप माइनस जे कैप माइनस 3 k कैप, एंड वेक्टर बी मान लेते हैं हम आई कैप प्लस 3 j कैप माइनस 5 k कैप, ठीक है। तो दो वेक्टर्स हमें दिए हुए हैं, इनके बीच एंगल बताना है, और दो वेक्टर्स के बीच एंगल कैसे निकालते हैं, थीटा इज इक्वल टू कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपॉन में आएगा मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए एंड मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी। तो हमें एक तो इनका डॉट प्रोडक्ट की जरूरत पड़ेगी, इन दोनों वेक्टर्स के इंडिविजुअल मोड की जरूरत पड़ेगी, तो ये सब चीजें निकालते हैं, ठीक है। पहले निकालते हैं वेक्टर ए का मोड, तो मोड ऑफ वेक्टर ए कैसे आएगा, आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशियंट्स हैं उनका स्क्वायर कीजिए, ऐड कीजिए, तो डायरेक्टली दे दो मैं 25 + 1 + 9, तो ये आ जाएगा √35, है ना। और जो वेक्टर बी है उसका मोड निकाल लेते हैं हम, वेक्टर बी का मोड आएगा अंडर द रूट 1 + 9 + 25, ये भी √35 लिया जाएगा, √35। अब इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, तो ये कितना आएगा, 5 × 1, आई कैप के कोफिशियंट की मल्टीप्लाई आई कैप में करेंगे, अभी पीछे बताया है, तो 5 आएगा, जे कैप का कोफिशियंट जे कैप में करेंगे तो -3 आ जाएगा, और के कैप का कोफिशियंट के कैप में करेंगे तो +15 आ जाएगा, जाएगा 15 और 5 20 में से 3 जाएंगे, 17 बच जाएगा, अगर मैंने सब कुछ सही किया है तो, 5 3 एंड 15 जी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी भी आ गया, सब चीज आ गई, अब आप निकाल सकते हैं, यह आ जाएगा कोस इनवर्स वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी कितना आया था आपका 17, अपॉन में कितना जाएगा, वेक्टर ए का मोड वेक्टर बी का मोड, यानी कि √35 × √35, इसको सॉल्व करेंगे तो इनके बीच एंगल आ जाएगा कोस इनवर्स 17/35। तो दिस इज द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स विच आर गिवन। तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला आता है अपना वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट, दो वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि जब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो आंसर भी एक वेक्टर ही आएगा, तो इसका कैसे हम वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं। चलिए सपोज कीजिए हमें दो वेक्टर्स गिवन है, एक तो वेक्टर ए इक्वल्स टू मान लेते हैं हम a1 i कैप + b1 j कैप + c1 k कैप, एंड मान लेते हैं कि जो दूसरा वेक्टर है वेक्टर बी वो गिवन है आपको a2 i कैप + b2 j कैप + c2 k कैप। तो दो वेक्टर आपको गिवन है, सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बताता हूँ कि कैसे निकालना है दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट, इस क्रॉस से इसको डिनोट करेंगे, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आएगा आपका मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी, इन दोनों के बीच एंगल साइन थीटा इंटू आएगा एन कैप। अच्छा, ये इन दोनों के बीच एंगल साइन थीटा में लेना है हमें, ठीक है, इंटू आएगा एन कैप।
दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। ये एन कैप क्या होता है, इस एन कैप का बहुत बड़ा रोल होता है इसमें। एन कैप का मतलब होता है ये जो दो वेक्टर गिवन है ना, वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर बनाने के लिए इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं, और ये एन कैप उसी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है जो वेक्टर इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा। यानी कि एन कैप डिनोट्स ए वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। एन कैप क्या डिनोट करता है, एन कैप डिनोट करता है वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर। ठीक है, जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में आई डॉट आई, के जे डॉट जे, के डॉट के निकाला था ना, यहाँ पर भी हम आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे एंड के क्रॉस के निकालते हैं, और अलग भी हमने कुछ निकाला था, वो सभी हम फाइंड करते हैं। इसको निकालने का कोई और तरीका भी अभी बताऊंगा मैं आपको, पहले मैं आई क्रॉस आई, जे क्रॉस जे और के क्रॉस के सब चीज बता देता हूँ। सबसे पहले हम निकालते हैं आई क्रॉस आई। अगर आई क्रॉस आई निकालेंगे तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आएगा मॉडुलस ऑफ आई कैप, मॉडुलस ऑफ आई कैप एंड आई कैप के बीच एंगल होता है 0 डिग्री, तो साइन 0, और इंटू में आ जाएगा एन कैप। एन कैप का मतलब है जो आई पर परपेंडिकुलर होगा, और आई पर परपेंडिकुलर जे कैप भी होता है, के कैप भी होता है, तो यहाँ पर जे कैप भी लिख सकते हो आप या के कैप भी लिख सकते हो, जो आपकी मर्जी। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है, 0, तो यहाँ से आई कैप क्रॉस आई कैप कितना आएगा, 0 आ जाएगा। आई कैप क्रॉस आई कैप क्या जाएगा, 0। सिमिलरली जे कैप भी कितना आएगा, 0, एंड सिमिलरली के कैप भी क्या आएगा, 0 आएगा। और ये 0 क्यों आ रहा है वो आपको पता चल ही चुका है, क्योंकि अगर जे कैप क्रॉस जे कैप निकालेंगे तो जे और जे के बीच एंगल 0 डिग्री होता है, और यहाँ पर साइन 0 0 बन जाएगा, तो फिर से जे कैप 0 आ जाएगा एंड के कैप भी 0 आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब निकालते हैं आई क्रॉस जे, क्या निकालते हैं, आई कैप क्रॉस जे कैप। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप, तो यहाँ आएगा मॉडुलस ऑफ आई कैप, फॉर्मूले में रखते हैं ये ना, मॉडुलस ऑफ आई कैप, फिर मॉडुलस ऑफ जे कैप एंड साइन थीटा, थीटा क्या है इन दोनों के बीच एंगल, और आई जे यानी कि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के बीच एंगल कितना होता है 90 डिग्री, और यहाँ पर आएगा एन कैप। एन कैप का मतलब जो ए और बी पर परपेंडिकुलर है, आई एंड जे पर परपेंडिकुलर क्या होता है, के कैप, यहाँ पे क्या जाएगा, के कैप आ जाएगा। मॉडुलस ऑफ आई कैप कितना होता है, 1, क्योंकि आई कैप एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर का मॉडुलस 1 होता है, अभी पीछे आपको बताया भी था। जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 हो जाएगा, साइन 90 भी 1 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा के कैप। तो यहां से हम समझ सकते हैं कि आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा, आई कैप क्रॉस जे कैप आएगा आपका के कैप। ठीक है, आई कैप क्रॉस जे कैप कितना आएगा आपका, के कैप। और अगर इसकी डायरेक्शन बदल दे, यानी कि जे कैप क्रॉस आई कैप कर दे, जे कैप क्रॉस आई कैप, तो वो आएगा आपका माइनस के कैप। जे कैप क्रॉस आई कैप क्या आएगा आपका, माइनस के कैप, नो प्रॉब्लम। जैसे ही क्रॉस प्रोडक्ट में उनको हम चेंज करते हैं तो निगेटिव साइन आ जाता है, आई क्रॉस जे आ गया। अब सिमिलरली हम निकाल सकते हैं जे कैप क्रॉस के कैप इसी फॉर्मूले से, अब मैं बार बार नहीं करा रहा, अब आप समझ जाइए, क्योंकि जे और के पर परपेंडिकुलर क्या होगा, आई कैप, तो यहाँ से जे कैप क्रॉस आई कैप क्या बन जाएगा, जे कैप क्रॉस के कैप बन जाएगा आई कैप, और अगर इनकी डायरेक्शन को चेंज कर देंगे तो वो आ जाएगा आपका के कैप क्रॉस जे कैप, डायरेक्शन चेंज करेंगे तो माइनस का आई कैप आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। चलिए अब आई क्रॉस जे कर लिया, आई जे, जे के आई, एक और बच गया आपका के आई, यानी कि के कैप क्रॉस आई कैप, के कैप क्रॉस आई कैप बन जाएगा आपका जे कैप, के कैप क्रॉस आई कैप क्या बन जाएगा, जे कैप, और अगर आई कैप क्रॉस के कैप कर दोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस जे कैप। तो दिस इज द टर्मिनोलॉजी, और वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए कुछ टर्म्स हैं, इनको हमें यूज करना है। आई होप को आपको ये सभी समझ में आई होगी। ठीक है, अब क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे तरीके से कैसे निकालते हैं मैं वो आपको बताता हूँ। चलिए ये सभी आपको समझ में आया। तो हमारे पास एक वेक्टर ए गिवन है, मान लेते हैं ए वन आई कैप प्लस बी वन जे कैप प्लस सी वन के कैप, एंड वेक्टर बी आ जाएगा आपका ए टू आई कैप प्लस बी टू जे कैप प्लस सी टू के कैप, और आपको निकालना है इनका क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो इसको हम डिटरमिनेंट की सहायता से निकाल सकते हैं, आई कैप जे कैप एंड के कैप।
ऊपर लिखेंगे आई कैप, जे कैप, के कैप। सेकेंड रो में लिखेंगे हम वेक्टर ए के कोफिशियंट्स, दैट इज ए वन बी वन सी वन। एंड थर्ड रो में लिखेंगे हम वेक्टर बी के कोफिशियंट्स, दैट इज ए टू बी टू एंड सी टू। इसको सोल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। एक्सपेंड करना तो आपको आता है डिटर्मिनेंट, तो एक्सपेंड कर देंगे आई कैप के लोग, तो आएगा ए वन बी टू, ए वन बी टू माइनस बी वन ए टू। उसके बाद आता है माइनस जे कैप, एक्सपेंड करना है आता है आपको डिटर्मिनेंट में, ये मान के चलता हूँ। तो जे कैप के लोग एक्सपेंड करेंगे तो आएगा ए वन सी टू माइनस सी वन ए टू, है ना। प्लस के कैप के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो के कैप यहाँ जाएगा ए वन बी टू माइनस बी वन, ये क्या हुआ यहाँ पे, बी वन सी टू आएगा, मैंने गड़बड़ कर दिया, रुक जाओ। ए वन बी टू माइनस बी वन बी वन ए टू, ये वाला गड़बड़ हो गया, इसको सही कर देता हूँ मैं। चलो आई कैप के अलोंग जब एक्सपेंड करेंगे तो आएगा बी वन सी टू, बी वन सी टू माइनस सी वन बी टू, है ना। अब ठीक है, ओके। तो ऐसे आप दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। क्या हम सीधे भी दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल सकते हैं? हाँ सीधे भी निकाल सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी कंफ्यूजन होती है, क्योंकि आई क्रॉस जे को हमें के कैप लिखना है और जे क्रॉस आई को माइनस के कैप लिखना है, और कई बार ये चीज याद नहीं रहती और हम गड़बड़ कर देते हैं, तो इसलिए डिटर्मिनेंट का मेथड इज बेटर देन डायरेक्ट करने से। लेकिन वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आपको डायरेक्ट करना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालना तो डायरेक्ट कर दीजिए। देखो आई क्रॉस आई क्या बनेगा, जीरो। आई क्रॉस आई क्या बनेगा, जीरो। आई क्रॉस आई क्या बनेगा, जीरो। आई क्रॉस जे क्या बनेगा, के कैप, दिया जाएगा आपका ए वन बी टू के कैप, ए वन बी टू के कैप, है ना। अब आई क्रॉस के कैप करेंगे तो क्या बनेगा, आई कैप क्रॉस के कैप। अभी इससे जस्ट पीछे मैंने बताया था आपको आई कैप क्रॉस के कैप करेंगे तो माइनस का जे कैप बनेगा, तो आएगा माइनस ए वन सी टू जे कैप। इस तरीके से आप इस पूरे को एक्सपेंड कीजिएगा और जब सॉल्व करके लिखोगे तो यही आ जाएगा जो आपने डिटर्मिनेंट की हेल्प से सॉल्व किया, ठीक है। तो आप डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, डिटर्मिनेंट की हेल्प से भी निकाल सकते हैं। और अगर ये बोला जाए कि दो वेक्टर हैं वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, इन पर परपेंडिकुलर एक नया वेक्टर बताइए, तो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी पर जो परपेंडिकुलर वेक्टर है वो उनका क्रॉस प्रोडक्ट करके ही मिले। इंडायरेक्टली हमसे क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड ए वेक्टर विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो हमसे वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट निकलवाना चाह रहा है। ओके स्टूडेंट्स, बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इस वेक्टर प्रोडक्ट का, क्रॉस प्रोडक्ट का एक फायदा भी है। फायदा यह है कि हम किसी भी ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, किसी भी पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, अगर ट्राइंगल की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में दी हुई है, अगर पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स वेक्टर फॉर्म में दी हुई है। जैसे कि ये अपने पास एक ट्राइंगल है और ये अपने पास एक पैरेललोग्राम है, इन दोनों का हम एरिया निकाल सकते हैं अगर इनकी दो एडजेसेंट साइड, एडजेसेंट का मतलब सटी हुई, एक दूसरे से सटी हुई, एक दूसरे से लगी हुई, दैट इज मान ले ये, एक तो ये हमें गिवन है, एक हमें ये गिवन है। मान लेते हैं ये है वेक्टर ए, जो गिवन है हमें वेक्टर ए, कुछ भी गिवन हो सकता है। अब आप समझ गए कि वेक्टर ए कैसे गिवन होगा, और ये वेक्टर बी है मान लो, और इस ट्राइंगल का हमें एरिया फाइंड करना है, तो इस ट्राइंगल का एरिया होगा हाफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए क्रॉस प्रोडक्ट विद वेक्टर बी। तो ऐसे आप इस ट्राइंगल का एरिया निकाल सकते हैं, हाफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड। पहले वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लेंगे, फिर उसका मॉडुलस निकाल लेंगे, और वन अपॉन टू तो होता ही है ट्राइंगल के एरिया में, तो ऐसे आप ट्राइंगल का एरिया फाइंड कर सकते हैं। और अगर इस पैरेललोग्राम का एरिया फाइंड करना है, मान लेते हैं ये हो गया अपने पास वेक्टर ए और ये हो गया अपने पास वेक्टर बी, ठीक है, और आपको इसका एरिया फाइंड करना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी आप करेंगे और इनका मोड निकालते ही आपको इसका एरिया मिल जाए, ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। आगे बढ़ते हैं, इसमें मतलब फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ द वेक्टर्स ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, वेयर ए इक्वल्स टू एंड बी इक्वल्स टू हमें गिवन है। इसमें मतलब फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ईच ऑफ दिस वेक्टर, तो एक तो वेक्टर ए गिवन है, एक वेक्टर ए गिवन आपको आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, एंड एक वेक्टर बी गिवन है आपको आई कैप प्लस टू जे कैप प्लस थ्री के कैप। इसने बोला ए प्लस बी फाइंड कीजिए पहले, तो यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी ऐड करेंगे तो कितना आएगा, टू आई कैप प्लस थ्री जे कैप प्लस
फोर के कैप, एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी करेंगे तो कितना आएगा, माइनस आई कैप, आई कैप से तो आई कैप कट जाएगा तो यहाँ पर तो जीरो बचेगा। जे कैप माइनस टू जे कैप करेंगे तो माइनस जे कैप, एंड के कैप माइनस थ्री कैप के कैप करेंगे तो माइनस टू के कैप आ जाएगा। इसने बोला फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू दीज, अगर इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर फाइंड करना है तो उनका क्या फाइंड करना पड़ेगा, क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी क्रॉस करना है आपको वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, तो इन दोनों पर परपेंडिकुलर एक वेक्टर आ जाएगा। यहाँ पर कैसे करना है आपको, आई कैप जे कैप के कैप, ए प्लस बी यहाँ पर जाएगा टू थ्री एंड फोर, यहाँ पर आएगा जीरो माइनस वन माइनस टू, इनके कोफिशियंट्स लिख लेंगे, इसको करेंगे एक्सपेंड, एक्सपेंड करना आपको आता ही होगा, तो यह जाएगा आपका माइनस सिक्स प्लस फोर माइनस जे कैप, और यह आएगा आपका माइनस फोर आ जाएगा यहाँ पर, प्लस करेंगे के कैप एंड वो आएगा माइनस टू, इसको सॉल्व कर लेंगे तो यह जाएगा माइनस के टू आई कैप प्लस फोर जे कैप एंड माइनस टू के कैप। तो इसको मान लेते हैं वेक्टर सी आ गए, तो ये जो वेक्टर सी आया है माइनस टू आई कैप प्लस फोर जे कैप माइनस टू के कैप, ये जो वेक्टर सी है वो इन दोनों पर परपेंडिकुलर होगा, लेकिन उसने बोला था कि यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और इस वेक्टर का यूनिट वेक्टर फाइंड करने के लिए इस वेक्टर को इसके मोड से डिवाइड करना पड़ेगा, तो मोड ऑफ वेक्टर सी आप निकाल सकते हैं, वो आएगा आई कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर दैट इज फोर, जे कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर दैट इज सिक्सटीन, एंड अगेन के कैप के कोफिशियंट का स्क्वायर दैट इज फोर, तो ये कितना आएगा रूट ट्वेंटी फोर, और रूट ट्वेंटी फोर को आप क्या लिख सकते हैं, टू रूट सिक्स, तो टू रूट सिक्स आ गया है इसका मैग्नीट्यूड। अब इस वेक्टर सी को इस मैग्नीट्यूड से डिवाइड कीजिए और सी कैप यानी कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा, तो आएगा माइनस के टू अपॉन टू रूट सिक्स आई कैप प्लस फोर अपॉन टू रूट सिक्स जे कैप माइनस टू अपॉन टू रूट सिक्स के कैप, यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में टू से टू कट जाएगा और सी कैप आ जाएगा यानी कि यूनिट वेक्टर आ जाएगा। आई होप को आपको ये चीज समझ में आ गई होगी, आगे बढ़ते हैं। इसमें बोला फाइंड द वेक्टर ऑफ द ट्राइंगल हैविंग द पॉइंट्स ए बी एंड सी एज इट्स वर्टिसेस। अच्छा, एक ट्राइंगल ए बी सी के तीनों वर्टिसेस हमें गिवन है, तो ये हो जाएगा अपना ए बी सी, ए के वर्टेक्स गिवन है आपको वन वन वन, बी के वर्टेक्स गिवन है आपको वन टू थ्री, एंड सी के वर्टेक्स गिवन आपको टू थ्री वन, टू थ्री वन, और इसने बोला कि इसका एरिया फाइंड कीजिए। अगर आपको वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी पता चल जाए, वेक्टर ए बी एंड वेक्टर बी सी आपको पता चल जाए तो इसका एरिया आप फाइंड कर सकते हैं, और वेक्टर ए बी, वेक्टर ए बी कैसे निकालोगे आप, अभी आपको पता चला था कि वेक्टर ए बी कैसे निकालना है, बी के कॉम्पोनेंट्स में से ए के कॉम्पोनेंट्स माइनस करने हैं, तो जब बी के कॉम्पोनेंट्स में से ए के कॉम्पोनेंट्स माइनस करेंगे तो क्या आएगा, आई कैप प्लस सॉरी आई कैप नहीं आएगा, वन में से वन जीरो हो जाएगा ना, तो ये आएगा जे कैप प्लस टू के कैप, और ऐसे ही वेक्टर बी सी आप फाइंड कर सकते हैं, तो वेक्टर बी सी क्या आएगा आपका, वेक्टर बी सी आएगा टू में से वन जाएगा वन यानी कि आई कैप प्लस थ्री में से टू जाएगा यानी कि जे कैप, और वन में से थ्री जाएगा यानी कि माइनस टू के कैप। अब आपके पास वेक्टर ए बी भी आ गया, वेक्टर बी सी भी आ गया, यहाँ से आप फाइंड कीजिए वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी कैसे फाइंड करना है, यहाँ पे लिखोगे आप आई जे एंड के कैप, यहाँ पे आएगा जीरो वन टू यानी कि कोफिशियंट्स ऑफ वेक्टर ए बी, एंड वेक्टर बी सी के कोफिशियंट्स क्या है, वन वन माइनस टू, अभी इसको मैंने आपको सॉल्व करना बताया ही है, जैसे ही यहाँ पे सॉल्व होके आंसर आएगा उसका आप मॉडुलस निकाल लेंगे, वेक्टर ए बी क्रॉस वेक्टर बी सी का मॉड एंड बाहर आ जाएगा वन अपॉन टू, और जैसे ही इसको आप सॉल्व करोगे तो इस ट्राइंगल का एरिया मिल जाएगा आपको। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये रहा आपका आज का लेक्चर, आई होप आपको सारी चीज समझ में आई होंगी, वेक्टर प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट वगैरह ये सारी सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है, और एंगल कैसे निकालते हैं दो वेक्टर्स के बीच, प्रोजेक्शन कैसे निकालते हैं ये भी आपको समझ में आ गया, स्केलर प्रोडक्ट एंड डॉट प्रोडक्ट तो मैंने बता ही दिया है आपको, ये क्वेश्चंस, अच्छा सेक्शन फॉर्मूले भी आपको समझ में आ गई, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी, जो भी कोई डाउट आपको मिले आप उसे कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।